इस मॉड्यूल में वी विल टॉक अबाउट वन टूल वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ डेटा साइंस और ये जो एस्पेक्ट है दैट इज़ एक्स एम एल एक्स एम एल इज़ बेसिकली एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज जो कि जब हम अभी बात कर रहे थे वन ऑफ द लास्ट मॉड्यूल में कि जो आपका अनस्ट्रक्चर डाटा है उसको हैंडल करने के लिए जो हम कुछ काम करते हैं या जो किस किस फॉर्मेट में हो सकता है तो एक्स एम एल इज़ वन ऑफ द बेसिक टूल्स एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है फॉर योर लर्निंग परस्पेक्टिव कि जो आर्किटेक्चर है ना आपके एप्लीकेशन का या सिस्टम आर्किटेक्चर इट हैज़ बीन चेंजिंग और इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है वो इन ये जो आपके इंटीग्रेशन टूल्स हैं ए पी आईज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो जो हमने फिर एक और चीज़ ई टी एल की बात भी की हमने डेटा इंजेक्शन की बात भी की तो ये जो सारी चीज़ें बेसिकली XML plays a very very vital role in this. But basically ये services होती हैं जो के services इस बार जैसे आप उसको script भी कह सकते हैं आप उसको छोटा सा कोई software का procedure भी कह सकते हैं तो so it 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 will be depending upon your you know vocabulary or knowledge या जिस programming environment में आप काम करते हैं but XML is something which is used almost in every software house today. तो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंड फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड एक्स एम एल है क्या और इसको आपने यूज़ ये जैसे कहते ना कि आपका एक बड़ा ही लिथल वेपन जो है ना डिवेल्पर का इवन फॉर द डाटा साइंटिस्ट इट इज़ वन ऑफ दैम वो जैसे कहते ना कि आज दल में वो जब तर्कश में तीर होते हैं किसी के उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल जो है वो एक्स एम एल है एक्स एम एल की एक हिस्ट्री एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जब आपकी इंटरनेट की वेबसाइटें बनना शुरू हुई तो समथिंग केम अप अब तो बड़ा आसान है बेशक आप वर्ड में करें किसी में भी करें उसको सेव एज एच टी एम एल करें तो वो आपकी वो ई e कॉमर्स की साइट बन जाती है टेम्पलेट्स आ गई है मार्केट में आप बनी बनाई टेम्पलेट ले आपको इतनी एफर्ट पुट नहीं करना पड़ती बट इन ओल्ड टाइम्स आपको वो कोडिंग लिखनी पड़ती थी उसको कहते थे अपना मार्कअप लैंग्वेज ये बेसिकली एक्स एम एल एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्क मार्कअप लैंग्वेज ये जो अगर आप देखेंगे एच टी टी पी प्रोटोकॉल आपका जो इंटरनेट के लिए यूज़ होता है आप जब वेबसाइट पर उसके लिखते हैं ना जाके ब्राउज़र में तो वहाँ पे एच टी टी पी लिखा होता है एच टी टी पी एस लिखा होता है तो वो बेसिकली इस चीज़ को डिटर्मिन करता है कि ये जो इसके पीछे जो कॉन्टेंट आ रहा है वो दैट इज़ बेसिकली एक्स एम एल में या एच टी एम एल में है तो एच टी एम एल वॉज द फर्स्ट थिंग फिर उसके बाद उसको उन्होंने डायनामिक किया डी एच टी एम एल आ गई फिर उसके बाद वो उसकी वो जो जर्नलाइज फॉर्म आ गई और फिर अब ये बन गई है एक्स एम एल तो बेसिकली इसकी पूरी एवोल्यूशन और इट इज़ जस्ट इंटरेस्टिंग टू तो अंडरस्टैंड कि किस तरह टेक्नोलॉजी हर एरिया में आपकी जो इवॉल्व हो रही है बेसिकली ये जो है अब इस पर सर्विसज आप ये भी प्लीज ज़रूर सर्च कीजिएगा सर्विस और माइक्रो सर्विसज ये बेसिकली अब यूज़ हो रही हैं एक ज़माना ये था कि दो डिफरेंट एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करने के लिए इंटरफेस टेबल लिखे जाते थे कि एक एप्लीकेशन एक टेबल में डाटा पुश करती थी फिर दूसरी एप्लीकेशन उस टेबल में से डाटा को पुल करती थी या एक्सट्रैक्ट करती थी अब मो इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन ये चीज़ अब नहीं होती अब आपके एक्स एम एल या जैसॉन वो भी आपने देखा कि हम वो ये चीज़ें जो डिस्कस कर रहे हैं इन पैरेलल ये सारी चीज़ें अब आपकी यूज़ हो रही हैं इन कामों के लिए क्योंकि वर्ल्ड इज़ चेंजिंग आपका जो डाटा चेंज हो रहा है डाटा के सोर्सेज चेंज हो रहे हैं इसी तरह ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं वक्त के साथ साथ टू मेक श्योर के जो भी चेंजेज़ हैं सारी आपकी उनको कोप अप किया जा सके थ्रू हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी तो अब एक्स एम एल का जो जैसे मैंने अभी मैं आपसे बता रहा था कि ये एक्चुअली ये इसकी कोई जो एप्लीकेशन है ना दैट इज़ नॉट लिमिटेड देखिए आप एज अ डेटा साइंटिस्ट या एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप इन चीज़ों को कहाँ यूज़ करते हैं नॉर्मली जो हमारा जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल है इेस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं पर रहे हैं आपका फ्रंट एंड है जिसे हम कहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का जो यूज़र इंटरफेस होता है वहाँ से जो डाटा डेटा बेस में जा रहा है एक्सएमएल उसके लिए भी यूज़ होती है कि आप जो सर्विसेज लिख रहे हैं विंडोज़ की सर्विसेज लिखते हैं आप अगेन ये जस्ट कीप यू नो ओपन अपने आप के जो आइडियाज़ हैं जो आप चीज़ें सीख रहे हैं ना इनको जस्ट कीप इट ओपन डू नॉट स्टिक टू योर सेल्फ टू एनी थिंग अगर आपने एक्सएमएल का लफज पढ़ लिया है आपने जेस ऑन पढ़ लिया है तो दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ योर ओरिएंटेशन कि आपको डिफरेंट चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है ये फिर डिपेंड करेगा कि आप अगेन किस इंडस्ट्री में कहाँ पे किस एनवायरनमेंट में प्रोजेक्ट क्या है प्रॉब्लम क्या है कहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो उन चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा और मोस्टली व्हेन यू विल जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ फ्रेश ग्रेजुएट और मे बी लाइक इन अर्ली यू नो लाइफ ऑफ योर करियर तो यू विल बी गेटिंग इनटू एन एनवायरनमेंट व्हिच इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड या वो किसी ना किसी लर्निंग कर पे हुए होगी वो कोई ऑर्गेनाइजेशन पाँच साल पुरानी है दस साल पुरानी है बीस साल पुरानी है तो वो कुछ ना कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ वो लोग ऑलरेडी लो यूज़ कर रहे होंगे तो वैन यू गो योर नॉलेज हमारा मकसद ये है कि आपको आज ये पता हो कि माइक्रो सर्विस क्या है एक्स एम एल क्या है जेसोन क्या है हदूब क्या है और हो सकता है कि बाई द टाइम यू गो टू द इंडस्ट्री थिंग्स माइट एवॉल्व फ़र्दर लेकिन ये चीज़ें रहेंगी जैसे फर्ज करें मैंने आपको एच टी एम एल की एग्जाम्पल दी तो अब उसकी फॉर्म चेंज हो गई अब वो आपकी बन गई है एक्स एम एल इसी तरह कोई और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक थी एक चीज़ होती बेसिक लैंग्वेज थी बेसिक से विजुअल बेसिक बनी विजुअल बेसिक आज कल अब अगर आप उसको देखें वो आपका जो डॉट नेट है या डॉट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है वो उसमें इवॉल्व हो चुका है तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती रहती हैं बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप चीज़ों को बेसिक उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको अंडरस्टैंड करें एंड कीप योर ऑप्शन ओपन अच्छा जैसे मैं बता रहा था कि एक्सएमएल इज़ यूज़ इन स्टेड ऑफ़ इंटरफेस टेबल्स अब आप एक्स एम एल को यूज़ करते हैं तो अब एक्स एम एल के अंदर बाहर आल जो डाटा आ रहा है उसको उसने कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है राइट right? और ये जो डाटा होता है ये कोई बहुत ज़्यादा इसमें डाटा नहीं स्टोर किया जाता है एक्स एम एल के लिए या जेसॉन के लिए ये कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं विच यू नो अकॉर्डिंग टू आपका जो आर्किटेक्चर uh, होता है हर सोलूशन के लिए देर इज़ समथिंग कॉल्ड आर्किटेक्चर कि आपने उसको प्लान करते हैं कि मेरा जो डाटा है किस तरह से फ्लो होगा किस एप्लीकेशन में जाएगा किस डाटा बेस में जाएगा कौन से टूल मैं यूज़ करूँगा उसको स्टोर करने के लिए उसको रिट्रीव करने के लिए तो कुछ ऐसे डाटा बेस हैं बेसिकली जो कि रिकमेंडेड है या वो स्पेशली डिवेलप इसलिए किए गए हैं जो जिनकी हेल्प से आप जो है एक्स की सर्विस यूज़ करें और अगेन इनको आप जो एक चीज़ है और दिस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एस ओ ए सोआ भी इसको कहते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर तो ये जो विंडोज़ की सर्विसज़ या एक्स एम एल की सर्विसज़ ये इसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं अगर आप किसी एक अच्छे आर्किटेक्चर के साथ काम करते हैं जिसने एक एप्लीकेशन या सोलूशन को डिज़ाइन इन प्रिंसिपल्स पे किया है कि आपका थ्री टीयर आर्किटेक्चर है फ़ोर टीयर आर्किटेक्चर है और उसको फिर आपने यूज़ कैसे करना है वो जो क्योंकि उसकी जो ये आर्किटेक्चर थ्री टीयर या फोर टीयर का मतलब ये है उसकी चार लेयर्स हैं या तीन लेयर्स हैं कि आपका फ्रंट एंड है आपका मिडल वेयर है विच इज़ मोस्टली योर सर्विसज़ जब मैं एक्स एम एल की बात कर रहा हूँ या कुछ और इस तरह के आप और भी नाम सुनेंगे या वो अपने तौर पर भी लोग जो है वो जो डिफरेंट कंपनीज हैं अपने भी वो उसमें कुछ वो डिवेलप कर लेती हैं फ्रेम टाइप ऑफ चीज़ें उनको कहते हैं तो वो बहरहाल वो होती सर्विसज़ ही हैं वो एक्स एम एल एक्स एम एल में भी आप लिख सकते हैं वो आप जावा में भी लिख सकते हैं किसी और चीज़ में भी लिख सकते हैं ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है आपके पास डाटा क्या है आपका आर्किटेक्चर क्या है इन सम केसेस वो थ्री टीयर और जो थर्ड टीयर है वो आपका डाटा बेस होता है समटाइम देर इज़ अ फोर्थ टीयर इन बिटवीन विच इज़ द सिक्योरिटी लेयर तो ये थ्री टीयर और फोर्थ टीयर आर्किटेक्चर है जिसमें एक्स एम एल प्लेज अ वेरी वेरी वाइटर रोल तो इसमें कुछ ये एक टेबल है आप इसको देखिएगा एट योर ओन और आपको पता चलेगा कि एच एम एल सेज एक्स एम एल तक जाते जाते इसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं एच टी एम एल कितना स्लो था या हैवी था या उसके जो कोड का साइज़ क्या था एक्स एम एल एक्स एम एल में जाके ये चीज़ अब कितनी एफिशिएंट बन गई है कोड का साइज कम हो गया है डेटा बेस आप इसमें रख सकते हैं उसके अंदर क्या इशू थे तो ये आई लीव इट टू यू गाइज कि आप इसको अंडरस्टैंड करें इट विल हेल्प यू टू ब्रॉडन योर परस्पेक्टिव एंड योर स्पेक्ट्रम कि अब ये चीज़ एक्स एम एल जो है तक आते आते कितने साल लगे अब इसका अगला हो सकता है देर इज़ ऑलरेडी समथिंग कॉल्ड बाई एम एल वैसे तो कल हो सकता है कोई जेड एम एल भी आ जाए तो ये जब आप किसी चीज़ की वो देखते हैं ना हिस्ट्री की उसकी जो प्रोग्रेस कैसे हुई है इट हेल्प्स यू टू डिवेलप योर कॉन्सेप्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री और ये चीज़ें इंडस्ट्री मूव किस तरह से करती है और किस डायरेक्शन में करती है थैंक यू